हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत करता हूँ फिर से आपके नए ब्लॉग में। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं शिवम द मिस्टीरियस पर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक आपने जैसा कि टाइटल देख लिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखो, यूट्यूब एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पे आप ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हो और सीखने की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, कितना भी सीखो आप। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है क्योंकि बीइंग अ यूट्यूबर ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने क्राइटेरिया को समझूं और आप लोगों तक शेयर करूं। ठीक है, चलो ये तो आपसे आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको मैं बताता हूँ कि आप अगर एक यूट्यूबर बनना चाहते हो और एक यूट्यूबर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं बताता हूँ कि आप मोबाइल से ब्लॉग कैसे बना सकते हो, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे वीडियोज़ मैंने देखे हैं, यूट्यूब पर भी देखे हुए हैं। सो मैं आज आपको गाइड करूंगा कि आप मोबाइल को कैसे यूज़ करके एक अच्छा सा वीडियो अपने लिए बना सकते हो। ठीक है, तो दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए मोबाइल से वीडियो बनाने के लिए। पहले तो आपने हार नहीं माननी है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, वो तो एक बात होगी, मजाक चौका पार्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ आपके पास एक अच्छा सेलफोन होना चाहिए जिससे आप चाहे फ्रंट या बैक, बेसिकली अगर आप खुद बना रहे हो तो आप फ्रंट से यूज़ करते हो, गाइस कोई दूसरा शूट कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए वीडियो कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं आपको वीडियो। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, मेरे पास एक ये सेल फोन है जिसको मैं ठीक ठाक समझता हूँ, मैं बताऊँगा नहीं किस ब्रांड का है। ठीक है, अच्छे अच्छी क्वालिटी है इसकी, लेकिन जो मैं बना रहा हूँ वो मेरा सेल फोन है, ये घर का सेल फोन है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस फोन से ये कवर हटाना पड़ेगा, ये नेसेसरी आप लोगों के लिए। ठीक है, उसका रीज़न क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। ये कवर मैंने हटा दिया, ठीक है, इसको रख दिया साइड में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कैमरे के लेंस को रब करना है फ्रंट और बैक दोनों से। ठीक है, सपोज करो कि आप खुद बना लो अपना वीडियो सेल्फ, यानी कि फ्रंट कैमरे से आप बनाओगे, तो बात करते हैं कि पकड़ना कैसे और एंगल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये दो उंगली, ठीक है, इन दो उंगली से इस तरीके से आपको होल्ड करना है। ये देखिए, आपको देख रहा है, मैं थोड़ा क्लोजअप कर दूँ, एक दो, ये दो उंगलियां आपके एज अ स्टैंड काम करती हैं, और ये एक ये उंगली और एक लास्ट की ये उंगली। ठीक है, ये दो उंगली आपका कैम ये आपका पूरा काम करेंगे मोबाइल को प्रॉपर होल्ड करने का। ठीक है, अब जब आप किसी भी कैमरे को ऑन करेंगे, चाहे वो सिनेमेटिक शॉट लेने के लिए करें या पैरानॉर्मल लेने के लिए, कुछ भी करें, तो सबसे पहले आपको यूं घूमना है। ठीक है, आप यूं घूमेंगे तो घूमने के साथ आपको एंगल ये रखना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कैमरे के लेंस में नहीं देखना है, जो यहाँ पे जो फ्रंट पे जो लेंस होता है आपको इसमें नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो जो व्यूवर्स हमारे होंगे जो वॉच कर रहे हैं आपको, वो ये देखेंगे कि यार ये देख कहाँ है। अगर आप इस तरीके देखोगे ना तो मुझे लगेगा कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, वो मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, आपको इतना कवर करना है ये आपको नहीं डिसाइड करना है कि आपने कैमरे को कैसे होल्ड करना है, किस तरीके से पकड़ना है और कितना ऊपर लेके जाना है, कहाँ तक आप अपना बॉडी पोस्चर दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया तरीका आपका, और कोशिश ये करना कि हैंड को स्टेबलाइज करने की ताकि श्रिंक ना करे वीडियो। तो ये हो गया आपका पकड़ने का तरीका। ठीक है, अब बात करते हैं दो तीन पॉइंट जो कि मेजर है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने बताया, कवर क्यों हटाया, हाँ कवर इसलिए हटाया है ताकि जो डस्ट पार्टिकल, आजकल के जो कवर है वो डस्ट पार्टिकल में जाता है तो कैमरे की क्वालिटी बहुत नीचे नहीं रहती है, तो आपको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैसे कैसे। तो सबसे पहले जब आप फ्रंट कैमरे को, सपोज करो मैंने ये इसका फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया है फोन का, ये मैंने फ्रंट कैमरा आपको देख रहा होगा, मैं फ्रंट कैमरे से आपको दिखा दूँ, फ्रंट कैमरा आ गया इसका। ठीक है, ये फ्रंट कैमरा है, तो मैंने इस तरीके से पकड़ रखा है। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे राइट में और मेरे लेफ्ट में कितना एरिया मैं कवर कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपने समझनी है कि आपको कितना एरिया लेफ्ट में लेना है, कितना एरिया राइट में। सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल मिडिल में रहें ताकि आपका वीडियो कम्प्लीटली आपके साथ सिंक ना हो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि जब आप चल रहे होते हैं तो आपको यूँ रखना है, 90 डिग्री से थोड़ा सा एटलीस्ट 70-60 डिग्री होना चाहिए ये एंगल, आप इस तरीके से चलते चले जाएंगे, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। तो ये हो गया आपका फ्रंट कैमरे शूट करने का। अब बात करते हैं टाइम लैप्स पे। टाइम लैप्स एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि अगर आप टाइम लैप्स को सपोज करो कि आप बनाते हो करीब 5 मिनट का, तो वो टाइम लैप्स आपका हार्डली बनेगा, हार्डली बनेगा, बनेगा जाके 1 मिनट का। उसका काम क्या होता है, वो वीडियो को
इंटू टेक्स 10x जाके सप्लाई करता है, यानी कि फॉरवर्ड करता जाता है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। जैसे कि सपोज करो मैंने इस तरीके से होल्ड कर लिया मोबाइल को, टाइम लैप्स मैंने ओपन कर लिया। अब मैं इस तरीके से चलता हूँ, चलते चले जा रहा हूँ, मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मैंने ये दिखाया, मैंने वो दिखाया, वो दिखाया, मैंने 2 मिनट का टाइम लैप्स ले लिया, तो क्या होगा, 2 मिनट को आपको दिखा देगा 3 से 5 सेकंड में, मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड होगा, 2-3 मिनट का, ठीक है। तो टाइम लैप्स का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं स्लो मोशन। स्लो मोशन लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जब भी आप चलेंगे तो आपकी नेक और वीडियो के बीच में ये आना चाहिए, यानी कि मोबाइल आप इस तरीके से आप चलेंगे, आप चलते जाएंगे और जहाँ पे आपको रोकना है वहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपने पॉज कर दिया। अब देखना ये होता है कि वो जो स्लो मोशन आपने रिकॉर्ड किया, क्योंकि स्लो मोशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा MB का होता है, ठीक है, हो सकता है आपका 1 GB का बन जाए, डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी कैसी कैमरे की, ठीक है। तो आपको उतना ट्रिम भी करना है अपने वीडियो में, स्लो मोशन आपको ज़्यादा पुट नहीं करना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल आज की डेट में आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा MB लेते हैं, बहुत ज़्यादा गैप लेते हैं मोबाइल की मेमोरी को, बहुत ज़्यादा पिंच अप कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको मेज़र करनी है। अब आते हैं, जैसे कि आपने देखा 360 एक फोटो का ऑप्शन होता है, तो उसको बोलते हैं पैनोरामा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मोबाइल पकड़ेंगे। याद रखिएगा, मोबाइल और आपका फेस बिल्कुल फ्रंट होना चाहिए, आप यूँ घूमेंगे 360, आप कंप्लीटली घूम के वापस दोबारा से इस तरीके से आ जाएंगे, उसको पॉज कर देंगे। जब आप प्ले करोगे तो आपको वीडियो यूँ दिखेगा, एग्जैक्टली वो एक प्रकार का एक फोटो होता है, लेकिन आपको ये दिखेगा कि हाँ मैंने पूरा व्यू ले लिया है। जब भी आप वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको मैं एक बताना चाहूँगा कि आप वाइड एंगल यूज़ करें। वाइड एंगल से क्या होता है कि आप अपने आसपास का एरिया भी कवर लेते हैं। अगर आप शॉर्ट एंगल लेते हैं, वन टर्म पे लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके ऊपर ही सिर्फ फोकस होता है, या आप जैसे कि आप देख रहे हैं ये ब्लू कर्टेन इस साइड पे है, ब्लू कर्टेन, और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने आप को मिडिल पर रखूँ ताकि आपसे कन्वर्सेशन रखूँ। तो ये दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको वाइल्ड ब्लॉगिंग मोबाइल से यूज़ करते टाइम आपको याद रखनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी मोबाइल से जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप कैमरा, मतलब मोबाइल जो है वो किसकी कैमरे की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है ना तो यार ऑटोमेटिक उस चीज़ पे आप फोकस कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप उसमें रीटेक अपने हिसाब से ले सकते हो कि मैंने यार ये टेक कैसा दिया है, मैंने कैसे किया है, मैंने क्या, उसको देखो, डिलीट करो, फिर देखो, फिर बनाओ। तो मोबाइल से थोड़ा सा ईजी मुझे लगता है ब्लॉगिंग करने का। तो ये जो मेन पॉइंट थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप कोई भी चीज़ आपको पूछनी है या कोई नया टॉपिक आपके दिमाग में, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हैं। और यार प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखा करिए। आप देख रहे थे शिवम द मिस्टीरियस बॉय, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।